हे एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। और कैसा लग रहा है ये जो टाइम चल रहा है गणेश जी का? आसपास भी गणेश जी बैठते होंगे तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। आगे की बात करने से पहले मैं आज के दर्शन कराता हूँ। आज की हमारी पूजन हो चुकी है, बस भोग लगाना रह गया है भगवान जी को। आज के दर्शन, और ये जो कमल चढ़ा हुआ है ये हमारे घर का ही है। प्रीवियस व्लॉग्स में आपने देखा ही होगा। सो, आज के दर्शन हो गए हैं आप लोगों को, और अभी मम्मी प्रिया बना रहे हैं भोग के लिए। आज कुछ देखते हैं क्या बनता है, और भोग लगेगा पहले भगवान जी को, उसके बाद फिर हम लोग भी करेंगे लंच। ओके, क्या हो रहा है जी? भोग की होगी तैयारी? ओके, पूरी पूरी तल रही है जया, फूली फूली। ये आ चुके हैं भोग लगाने के लिए भगवान जी को। ये गणपति बप्पा मोरिया। ये आज बनी है कद्दू की सब्जी। ये क्या कर रही हैं यहाँ? What are you doing? धूप दिखा रही हूँ। कितनी शिद्दत से पेपर पढ़ा जा रहा है। ये फोटो कितनी अच्छी लग रही है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। प्रेम पत्र पढ़कर। कौन कौन है ये? तो वो राजेंद्र कुमार है और बैसंती माला। दिलीप कुमार, राजेंद्र। पुराने हीरो हीरोइन को तो भाई हम तो मतलब बहुत ही कम पहचान पाए। ये मैडम है, सारे गाने विद मूवी का नेम, कौन सा हीरो हीरोइन है उसमें, सब जानती हैं आप इसी जमाने के हैं ना? हाँ, ओल्ड हीरोइन है आप। ओल्ड हीरोइन। पापा जी के साथ इन्होंने इतनी पुरानी मूवीज़ देखी हैं कि एक एक मूवी का नाम, उसके कैरेक्टर सब याद है, कौन सा सॉन्ग है ये भी याद है। और एक हम है। अच्छा, पापा जी के साथ वो खेलते हैं दमशरास्त, तब बहुत मज़ा आती है, क्योंकि वो पुरानी पुरानी मूवीज़ का खोज खोज के निकालते हैं, फिर एक एक वर्ड से हम लोग उसको कैच करते हैं, कुछ का कैच नहीं भी कर पाते हैं। मतलब ये मान लीजिए 10% है जिसको हम कैच करते हैं। इनको छोड़कर ये उस टाइम पे जिस टीम में रहा है वो, उसकी तो फिर बात ही अलग। सो, अभी हम लोगों का लंच हो चुका है, एंड मैं अभी बाहर खड़े होकर व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। इतना बेकार नेटवर्क है, रात से डला हुआ है। सोचे थे कि 10 बजे आपको व्लॉग दे पाएंगे प्रॉपर, जैसा हमारा शेड्यूल चल रहा था, वही गणेश चतुर्थी वाला जो कि आप लोगों ने वॉच किया है। तो वो इस टाइम पर मैं खड़ा हूँ बाहर कि नेटवर्क आए, और बिल्कुल ऐसा स्लो मोशन में अपलोड हो रहा है कि मतलब हद है यार, नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ऐसा लगता है कि हमें हमारा नेट मतलब जो सिम है वो चेंज करना पड़ेगा। अंदर से बोल रही हैं कि वाईफाई लगाना पड़ेगा। सही में ऐसा ही लग रहा है कि वाईफाई लगवाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, अगर हम इस तरीके से व्लॉग अपलोड करते रहें तो पूरा पूरा दिन निकल जाएगा। 10 बजे से अभी 3 बज गए हैं, व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है, कैसे चलेगा ऐसा काम? पर ठीक है, इस व्लॉग के पहले आपने उसे वॉच कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो जाकर देखिएगा हमारा गणेश चतुर्थी स्पेशल ब्लॉग, कि हमने हमारे गणेश जी की स्थापना कैसे की, सारी चीज़ें। और ये यहाँ पर कट करे हैं ड्राई फ्रूट्स, किस लिए कर रहे हैं क्या मैं ये जान सकता हूँ? गुजिया बनाने के लिए। तो आज फाइनली बन ही जाएगी गुजिया। आज गुजिया बनेगी, मम्मी पेड़े बनेगी, मथुरा के पेड़े। ओहो, सो आज बनेंगे मथुरा के पेड़े, वो भी रीवा में।
बहुत दिनों से मम्मी बोल रही थी कि गुजिया बना देते हैं, बट हम ही लोगों ने मना किया था कि बहुत सारा काम हो रहा था, फिर व्रत भी था, थोड़ा अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आज आज भी काम बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी इन्होंने बोला कि आज बना ही लेते हैं, नहीं तो खोआ जो हमारा रखा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। मम्मी खोआ भूंज रही थी और खोआ भूंजते भूंजते इधर पूरा घी निकल के आ गया। कितना अच्छा और कितना शुद्ध खोआ है वाकई में, इतना सारा घी निकल के आ वाह रहा है यार, टेस्टी। ना यहाँ जैसे पढ़ाई कर रही है। और क्या बनाती है मम्मी? पपड़ी। हाँ। और क्या बनाती है? एक मम्मी बनाती एक बहुत नमकीन सलोनी हो गई, एक मीठी सलोनी हो गई, एक बेसन की पपड़ी हो गई, गुजिया हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, और आज बनाए पेड़ा। देखिए लोग ने मतलब इनने मीठी सलोनी निकाल के रखी है, इधर नमकीन सलोनी निकाल के रखी है, और इस थाली में जो जगह बची है इसमें पपड़ी आएगी। और मम्मी अभी जो मसाला बनाई वो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये गुजिया का मसाला बन के तैयार हो चुका है, इसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स और खोवा है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं डालते हम लोग, ड्राई फ्रूट्स भर भर के और खोवा। और इधर अभी नमकीन सलोनी के लिए फिर से मैदा साना जा रहा है जयश्री की स्पेशल डिमांड पर। हाँ नहीं इसको भी रख लें क्या? रख लीजिए, ये पपड़ी निकल चुकी है गाइस, ये देखिए। फेस्टिव वाइब्स तो इनकी खुशबू से ही आती है। ओ हाँ यस सीरियसली। सो गाइस आज बन रहे हैं फाइनली गुजिया। गाइस अभी गुजिया वगैरह बन के सारा कुछ कंप्लीट है एंड शाम की आरती का समय हो गया है, चलते हैं आरती में। गाइस इस समय इतना अच्छा लगता है ना, मतलब पूरे घर का वातावरण इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंदमय बोल सकते हैं हम उसे, बहुत सुकून सा मिल रहा है भगवान जी घर पर, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम आरती में शामिल होते हैं एंड इसके बाद आगे हम क्या करेंगे वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वन मोर थिंग, जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ आने वाला है दिवाली, करवा चौथ, सारा कुछ आने वाला है, नवरात्रि आने वाले हैं, तो जितने भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं सबकी अपडेट हम आप सभी को देंगे एंड बहुत मज़ा आएगा। एंड सारी चीज़ों की प्रिपरेशन भी बताओगी, सारे स्पेशल मेकअप्स भी बताओगी, सारा कुछ मिलेगा हमारे चैनल पे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें तो टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अपनी नगरी का हो खुद से।
क्या विच गम दिया बरसातानु और इसी के साथ हम व्लॉग को करते हैं बस यहीं पर खत्म। कल मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके सो बाय 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 बाय, गणपति बप्पा मोरिया।